क्या पूरे हिंदुस्तान पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है उस फिल्म को लेकर ड्रीम सिटी मुंबई, और एक चर्चा का विषय बना हुआ है जो हाल ही में अभी हुआ छत्रपति शिवाजी अवार्ड फंक्शन, और काफ़ी सफल अवार्ड फंक्शन रहा। ये दोनों विषय को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे आप इस चीज़ को लिए और कितना चुनौती भरा रहा ये आपका सफर हुआ जी? सबसे पहले धन्यवाद सभी को, मीडिया को, क्योंकि मैं मीडिया के बिना मैं कल्याण जी नहीं बनता। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा सा गरीब इंसान हूँ। अगर मीडिया ना होता तो मैं आज कल्याण जी नहीं बनता। थैंक यू अखिलेश जी, सही बोला आपने। छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है, 6 मंथ पहले मैंने वो शुरू किया था, आज मेरा सक्सेस हुआ क्योंकि मेरा सब मीडिया भी आए, आर्टिस्ट भी आए, और जिनको हम अवार्ड दे रहे थे वो भी आए। थैंक यू। और मेरी फिल्म है ड्रीम सिटी मुंबई, जो फिल्म मैंने बनाया आप सभी के आशीर्वाद से, मेरी डैडी मम्मी के आशीर्वाद से। फिल्म का नाम है ड्रीम सिटी मुंबई। ये फिल्म मुंबई की बेस के ऊपर है। कैसे कैसे लोग फिल्म लाइन में आते हैं, कैसे कैसे लोग फिल्म लाइन में आके क्या क्या होता है उसके अंदर, उसके ऊपर पूरी फिल्म है। ड्रीम सिटी मुंबई मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो कुछ ही दिन में ये फिल्म आने वाला है, पूरी इंडिया में वो रिलीज़ हो रहा है। और मैं चाहता हूँ मीडिया, आप लोग, छोटा सा गरीब आदमी हूँ, आप प्लीज़ इसको दिखाइए, क्योंकि आप लोग के बिना मैं अधूरा हूँ। बहुत खूबसूरत खूबसूरत उसमें गाना है, जिसमें उदित जी गाना गाया है, शबाब साबरे गाना गाया, शायद मलिया गाना गाया, संजीत सकर गाना गाया, सोनू राव ने गाना गाया। इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छे म्यूजिक दिया है दामोदर राव जी ने, बहुत अच्छे इसमें जितनी भी काम किया था, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे स्पोर्ट बॉय हो, चाहे टेक्नीशियन, कितनी भी लोग, इन सभी ने इतना खूबी से इन लोग काम किया, उसकी वजह से मेरी फिल्म आज चर्चे पे है और आज रिलीज होने जा रहा है। तो थैंक यू मीडिया, और थैंक यू मेरी टेक्नीशियन टीम। और छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड जो मैंने शुरू किया है, ये एक योद्धा है और हम लोग भी उसके पीछे पीछे लगा है। जिस मिट्टी पे आया हूँ मैं, एक कचरा चुनने से लेके यहाँ तक मैं सफ़र आया हूँ, तो मैं इस मिट्टी में जिन्होंने इस मिट्टी को बनाया उसका नाम है महाराज छत्रपति शिवाजी, तो उनकी दुआ से मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं, मेरा एक जन्मभूमि कलकत्ता है और कर्मभूमि मेरी महाराष्ट्र है। तो मेरे मन में था जब भी कुछ करूँ तो मैं यहाँ पे एक अवार्ड नाइट करूँ उनके नामों से। तो आज मेरा सफल हुआ और आप लोगों ने सबने मोहब्बत दिया, और थैंक यू कमल जी जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, कमल खान, और मुझे बहुत जिन्होंने साथ दिया है, जैसा आशीष सर है जिनकी वजह से मेरा शो नहीं होता, ऐसा तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मीडिया है, साथ देने के बाद मेरा शो सक्सेस हुआ सर। छत्रपति शिवाजी अवार्ड की बात करें तो उसमें एक अनोखा चीज नजर आई, उभर के आई। हाँ जी, वो ये थी कि कई कैटेगरीज को नया रूप दिया गया था, कई कैटेगरीज ऐसे थे, और ऐसे कलाकारों को अवार्ड दिया गया जिन्होंने पूरी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में निकाल दी, पर उनका सम्मान मान सम्मान उनको हाँ जी नहीं दिया गया। ऐसे लोगों को छत्रपति शिवाजी अवार्ड, गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैसे ये सब चयन कैसे करते थे और क्या किया था, ये सब को एक साथ जोड़ के उनका अवार्ड दिया जाए, और वो मेरे मन में आया था 6 मंथ पहले, और 6 मंथ में चल रहा था, लेकिन मेरा 2 दिन पहले मेरा चेंज हुआ, मेरा था मलाड में था शो। सतिकाल नमस्कार कहना चाहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में जो चल रहा है, पाकिस्तानी कलाकार, हिंदुस्तानी कलाकार, बहुत गंभीर अवस्था है जो चल रही है। जैसे अभी सलमान खान साहब ने कहा, पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पर काम करने दो, या कहीं का भी एक्टर हो उसको यहाँ पर काम करने दो, ये बहुत बड़ी दुविधा है। जबकि हमारे हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनसंख्या है, यहाँ पर एक से एक कलाकार है हिंदुस्तान में, और बियॉन्ड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कलाकार की कमी नहीं है, कलाकार की कमी नहीं है। तो आई हैव थिंकिंग कि सलमान भाई को या करण जौहर को या जो भी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर उनको गौर फरमाना चाहिए और उनकी कला को, अपने हिंदुस्तान को ही बढ़ावा देना चाहिए। बियॉन्ड ऑफ द जो लोग वहाँ के पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के लोग काफिर हैं, उनके पास दिल बहुत छोटा है। जैसे वो लोग बोलते हैं हमारा दिल बहुत छोटा है, हमारा दिल बहुत छोटा नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी नंबर वन पूरे वर्ल्ड में। जो कहते हैं लंदन देखा, पेरिस देखा, सब देखा, मेरी जान सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान।
तो ये हम वो हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के जवान हैं और हम सब लोग ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं और ना सिख हैं ना ईसाई हैं, हम इस देश के वासी हैं और हमें इस देश के लिए हमेशा एक साथ एकजुट एक साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा आपने मेरी फिल्म आ रही है, आने वाली फिल्में मेरी देखी होंगी आपने, मैं दगड़ी चाल में था, पटा पोस्टर में था, सबसे पहले मुझे ब्रेक दिया मिस्टर राजपाल यादव ने, और अभी मेरी आने वाली फिल्म जो है दिल्ली बस है। दिल्ली बस फिल्म आपने सुना होगा, यूनिवर्सल केस था जो दिल्ली में एक बस के अंदर घिनौनी घटना हुई थी, एक लड़की के साथ 6 लड़कों ने बलात्कार किया था, एक लड़की के साथ 6 लड़कों ने जो बलात्कार किया था वो रियल आधारित घटना पे फिल्म बनी है। उस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे भाई शारिक मिनाज, जो पहले भी काफ़ी फिल्में बना चुके हैं, जिनकी आने वाली फिल्म थी चांद बुझ गया, लतीफ़ द किंग ऑफ क्राइम, चिनार, टेंशन हाउस, ये उनकी फिल्म है। और इस फिल्म से हमें एक कलाकार होने के नाते बहुत उम्मीद है, क्योंकि 14 साल के अंतराल में 14 साल जो स्ट्रगल किया फिल्म इंडस्ट्री में, 15 साल आज जाके ये एक फिल्म बड़ी मुश्किल से मिली है। फिल्में तो काफ़ी की हैं लेकिन ऐसा किरदार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ी वो चुनौती थी हमारे लिए जो हमने निभाया, क्योंकि हिंदुस्तान में हर किसी के घर में एक माँ बहन होती है। वो जब हम वो शूटिंग कर रहे थे तो हमको बहुत रोना आता था, बहुत दुख होता था, लेकिन बहुत मज़ा आया वो फिल्म करके, और वो फिल्म देख के हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आंखें खुलेंगी। ये फिल्म एक ऐसी है कि इसको पूरा वर्ल्ड देखना चाहिए और पूरा वर्ल्ड में इसको टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें कहानी में रियल कहानी दिखाई है, जो रियल जो घटना पे आधारित ये फिल्म है और इसको शो किया गया है। तो मैं तो ये चाहता हूँ, बाद में जब मालूम पड़ा कि ये कहानी अचानक में धोखे से गलती से इन लोगों से हो जाता है, ये लोग करते नहीं हैं, तो ये लेकिन उनको जो सज़ा मिलती है इस तरह की वो बहुत ही दर्दनाक होती है, और जो सज़ा उनको मिलती है वो बहुत ही दर्दनाक इसलिए होती है क्योंकि हिंदुस्तान का क्या कहीं का भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके।